नमस्कार, मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। और अगर हम महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामे की बात करें तो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल जो ड्रामा है वो अभी भी चल रहा है। सियासी दलों की रसाकसी के बीच जो है एक नया जो है नाटक सामने निकल कर आया है विधायकों की नाराज़गी का। और ये नाराज़गी इतनी बढ़ गई है कि शिवसेना के नेता, शिवसेना के जो MLA हैं जिन्हें राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई थी अब्दुल सत्तार, उन्होंने राजीनामा दे दिया है। लेकिन जो पार्टी सूत्रों के अनुसार से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नहीं भेजा है। तो हम एक तरीके से ये मान सकते हैं कि क्या ये सिर्फ एक अटकलबाजी है या फिर शिवसेना पर दबाव बनाने की कोशिश MLA अब्दुल सत्तार के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि अब्दुल सत्तार को मंत्री बनाए जाने को लेकर शिवसेना में ही कई नेता नाराज़ थे, क्योंकि अब्दुल सत्तार पहले कांग्रेस में थे और अभी हाल ही में वो शिवसेना में आए और उन्हें मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया। लेकिन शिवसेना में कई ऐसे सीनियर नेता भी हैं जिसे नज़रअंदाज किया गया। उद्धव ठाकरे इन सभी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अब्दुल सत्तार के इस्तीफे को लेकर शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं सांसद संजय राउत का एक बड़ा बयान आया है। संजय राउत का कहना है कि अब्दुल सत्तार जो हैं वो शिवसैनिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें मनाने में टाइम लगेगा। उनका इशारा ये था कि वो अभी अभी कांग्रेस से आए हैं और वो पार्टी में शामिल हुए और उन्हें मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया, लेकिन उन्हें मनाने में समय लगेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ यहाँ शिवसेना खुद जो है अंदरूनी नाराज़गी से जूझ रही है, वहीं कांग्रेस मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा है उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। और कांग्रेस की वजह से जो है विभागों के बंटवारे का जो फैसला है वो अभी तक नहीं हो पाया है। और इसमें कांग्रेस के दो सीनियर नेता अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण का एक तरीके से ये कहें कि उनका अंतर्द्वंद निकल कर सामने आ रहा है कि दोनों ने जो है मलाईदार विभाग की जो है डिमांड रखी है और उद्धव ठाकरे के समक्ष, और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कांग्रेस को कैसे मनाए। लेकिन अगर हम NCP की बात करें तो NCP कहीं ना कहीं जो विभाग उनको मिल रहे हैं उनसे वो संतुष्ट है, क्योंकि डिप्टी CM तो पहले ही मिल गया है। और अब जो है जो NCP डिमांड कर रही है उनके मुताबिक जो है उन्हें विभाग मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जो सियासी ड्रामा है महाराष्ट्र का वो लगातार जारी है। विभागों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कब होती है इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब नाराज अपने विधायकों को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।